बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद महाभारत से जुड़ेंगे। ये देश की अब तक की सबसे महंगी फिल्म होगी। चर्चा ये भी है कि महाभारत में आमिर खान कृष्ण का रोल निभाएंगे। इस पर भारत के रहने वाले फ्रेंच पॉलिटिकल राइटर और फ्रेंकोइस गॉटियर ने एक ऐसा ट्वीट किया जिस पर बहस छिड़ गई है। गॉटियर ने आमिर खान के महाभारत में कृष्ण का रोल करने की खबर को लेकर ट्विटर पर लिखा, Why should Aamir Khan, a Muslim, play in most ancient and sacred of Hindu epics, the Mahabharat? Is BJP for India government of Narendra Modi going to be like the INC India and just stand by in name of secularism? Would Muslim allow a Hindu to play life of Muhammad? फ्रेंकोइस के इस ट्वीट के बाद आमिर खान के फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए। मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने लिखा, You scoundrel! Have you not seen Peter Brook's production of this great epic Mahabharat in France? I would like to know which foreign agency is paying you to spread this kind of perverse and poisonous thoughts in our country. वही इसके बाद फ्रेंकोइस ने एक और ट्वीट कर ये बताया, When I objected to Aamir Khan playing Lord Krishna in Mahabharat, I was told mostly by Hindus. Shame to a people who lose pride in their spirituality and ready to abandon it to a religion who repeatedly massacred their temples, men, women and children. Shame on you Hindus. तो देखा आपने, अभी तो आमिर ने फिल्म शुरू भी नहीं की और अभी से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। खैर, इस मामले में क्या होता है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड की हर अपडेट के लिए देखते रहें NMF News।